हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी गामा रिक्शा। तो मैं मीका, आप सब लोग खैर होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माज और मेरा नाम है कुरान। तो यार, बस ड्राइवर और स्टूडेंट का झगड़ा हो चुका है और उन्होंने सारा रोड जाम कर दिया, लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। क्योंकि भाई, बस ड्राइवर कहता है कि मैं यूनियन पार्टी का ड्राइवर हूं। देखते हैं कौन सी पार्टी का ड्राइवर है। भाई जल्दी स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। तो साइड में लगाओ, ट्रैफिक क्लियर होने दो, फिर बात करेंगे। बस नहीं हटेगी। अरे मेरी बात तो सुनो, यूनियन पार्टी का ना भी है कौन सी पार्टी। कंट्रोल रूम होटल के पास बस ड्राइवर ने चक्का जाम कर दिया। अब वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स लोगों ने उनको मारा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बस चालक ने उनको मारा। कोई किसी की नहीं सुन रहा है और मैं इडियट के तरह खड़ा हूँ। सब लोग मारा मारी कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को फौरन स्पॉट पर आने को बोलिए, देखो तुम्हारा मुंह क्या हो जाएगा। अरे यूनियन पार्टी खिसक रही है, फॉलो कर। हेलो अध्यक्ष महोदय। हाँ साहब, सकाराम शेल्के को स्टूडेंट लोगों ने ड्यूटी पर बहुत मारा, उसके सर से खून म्युनिसिपैलिटी की नल की तरह बह रहा है। बात यूनियन पर आ गई है, अभी के अभी हर जिले के ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात करिए और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए। भाई चक्का जाम। तो भाई टैक्सी चलेगी? जरूर चलेगी, सर पे उठा कर लेके जाओ, चलेगी, चल जा। फिश टू मच कैम डिकरा, ये बस 10 लोग जाएगी। धक्के 10 लोग रे पर लोग जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? अबे ट्रैफिक जाम है, घर जाके सो जा, सो जा। हट जा यहां से। ओ भाई कितना टाइम लगेगा? अबे धक्के, ये धक्का किसको बनाए? ये तो अरे भाई, तुम लोग ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? देखो, आज 32 साल के बाद मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। दूल्हा वहाँ बारात के साथ माँ लक्ष्मी मंदिर में खड़ा है और दुल्हन यहाँ है। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अगर हम समय पर नहीं पहुँचे तो बारात वापस चली जाएगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो भैया, मत करो। बस हटाओ भैया, बस हटाओ। यार भेजा मत था, इंटरव्यू का टाइम हो गया, ये नौकरी भी हाथ से गई ना तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। सुसाइड करनी पड़ेगी। भैया, भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, कुछ तो करो, इस बस को तो हटाओ। मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ है, कम से कम एम्बुलेंस को तो जाने दो, नहीं तो मर जाएंगे। क्या कर सकते माँ जी, आगे की बस हटेगी तभी तो हम हमारी बस हटाएंगे। भगवान, अब मैं क्या करूँ? पब्लिक क्लियर करो, अब सिचुएशन कैसी है? सर मैं बोल बोल कर थक गया सर, ड्राइवर सुनते हैं स्टूडेंट्स। हटाओ, हटाओ, हट जाइए। देखो, जो भी झगड़ा है इस बस के ड्राइवर और स्टूडेंट्स के बीच है। इस बस का ड्राइवर कौन है? मैं हूँ साहब। जाओ हटाओ बस को। बस नहीं हटेगी साहब। नहीं 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 हिम्मत तो चलाओ। तुम मेरे पर गाड़ी चलाओगे तो क्या हमारे साथ वाले हाथ लेते रह जाएंगे? मेरी चिताओं के साथ सारा महाराज चलेगा। चलाओ गाड़ी, चलाओ गाड़ी। साहब, हमारी जात के ड्राइवर पे दूसरे धर्म के हवलदार ने बस चढ़ा दी। हमने क्या चुड़िया पहन रखी है? गला काट देंगे सालों का। उनको पता नहीं कि हमारी औकात क्या है। सब कुछ रोक दो, एक पत्ता भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। पूरा महाराष्ट्र बंद कर दो। हेलो अल्फा टू कंट्रोल, फौरन सीएम साहब को करे करो। कमिश्नर साहब बात करना चाहते हैं। देखो क्या ऑर्डर देते हैं। यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई है सर, अगर आप परमिशन दे तो 5 मिनट में सबकी टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवर। ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। सर वो लोग सपोर्ट खींच लेंगे, समझ कर हम लोग खाम खा डरते रहते हैं, और ये छोटी मोटी लिटरेट पार्टियां जात और धर्म के नाम पे सरकार को धमकाती रहती है। अगर इन लोगों को यही नहीं रोका गया तो सारे स्टेट को शमशान बना देंगे। कम से कम टियर गैस छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने के लिए। बिल्कुल सही बोला है। तितर बितर करेगा तू? अरे तितर बितर भीड़ नहीं, मेरी सरकार तितर बितर हो जाएगी। ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं है। एक है सहयोगी पार्टी का, दूसरा है इन जात वालों का, और तीसरा है उन लोगों का जिनके पैसों पर ये पार्टी चल रही है, और चौथा है हमारे कार्यकर्ताओं का। अगर इनमें से एक पैर भी टूट गया तो ये कुर्सी गिर जाएगी।
और अगर ये गिर गई तो इसी कुर्सी को उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, समझे? ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। कमिश्नर, नो अरेस्ट, नो टियर गैस। ना, ले भाई। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। भाई ये तो बेचारे आर्डर के गुलाम है। कभी ना। ओ तेरी कार तो भाई शुरू हो गई। भाई महाराष्ट्र बर्बाद हो गई। गई रानी, ये। और ये आया राजा। एक घर वाली के लिए, एक बाहर वाली के लिए, अरे कौन वीडियो निकाल से? अबे हट, देखता क्या है? फोटो निकालेगा आप उनका, अबे सर फोड़ डालेगा तेरा। सर दुकानें लूट रहे हैं, बसें जला रहे हैं सर, पब्लिक प्रॉपर्टी कचरा हो रही है। यू हैव टू इशू शूटिंग ऑर्डर सर। अरे शूटिंग ऑर्डर देना होता तो कब का दे चुका होता। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं दो चार को पकड़कर एक कमेटी बनाकर स्पॉट पर भेजता हूँ, तब तक संभालो। क्या चार पैसे का सीएम कोई डिसीजन नहीं ले सकता? अब तक एग्जाम शुरू हो गया होगा, मेरा पूरा साल बर्बाद। सॉरी माँ जी, ये अब नहीं रहे, मुझे छोड़ कर चले गए। ओ गॉड, इसका तो बहुत खून बह रहा है यार। अरे बाप रे, कहीं मरने जाए भाई ये। यहाँ आसपास का अस्पताल है, एक किलोमीटर दूर है। देखिए अस्पताल यहाँ से मगर ले जाए कैसे, ट्रैफिक जाम है। जरा कैमरा संभाल ला इधर। हेलो कुमार, कैसे हो? ठीक हो? और जरा देर होती तो जान जा सकती थी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, इन्हें कहिए जिन्होंने आपको सही वक्त पे यहाँ पहुँचाया। थैंक यू सर, इट्स ऑलराइट। भाई क्या था यार, ये क्या था सीन भाई? सिर्फ एक कुर्सी की वजह से पूरा महाराष्ट्र जलकर बर्बाद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। दुकानें लूटी जा रही हैं, मोटरसाइकिल को आग लगाई जा रही है, बसें ब्लास्ट हो रही है, दुकानें लूटी जा रही हैं, लोग जो जो चीजें हो रहा है वो उठाकर लेकर जा रहा है। भाई उधर से भड़काया जा रहा है कि एक धर्म वाले ने दूसरे धर्म वाले को मार दिया तो फलाना हो गया, फलाना हो गया। उधर से भाई सीएम साहब को भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि मतलब जो होता है होने दो, जो होता है होने दो। हाँ, कहता है कि भाई उनमें से हमारा एक बंदा उस पार्टी का, एक बंदा उस पार्टी का है, तो तुम अभी फिलहाल कुछ नहीं करो, रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तो खुद ही खामोश हो जाएंगे भाई। लेकिन उनको ये नहीं पता मामला कितना संगीन हो गया है। हालांकि उनके साथ में सेक्रेटरी परेश रावल जी, उन्होंने बोला था कि फिलहाल टियर गैस छोड़ के तो मामला जरा रफा दफा कर दो। कहता नहीं, फलाने उनमें से मुझे जो एक ने वोट दिया वो पार्टी वाले हैं, फलाना पार्टी वाले हैं। हाँ। भाई वो कमिश्नर को फोन कर देता है, नो अरेस्ट नो टियर गैस। क्या करे यार बेचारे, उधर से देखा तो महाराष्ट्र जलकर बर्बाद हो गया। कहता है सीएम, कहता है दो चार गाड़ियां जलती हैं जलने दे, लेकिन वहां महाराष्ट्र बर्बाद हो गया, पूरी तोड़ फोड़ हर जगह। हाँ, पे अफरा तफरी फैली हुई, सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पैसे दुकानों से उठा के लेके भाग रहे हैं। वही ना। हाँ। तो
जाहरी बात है अब देख ले पूरा। और लेकिन एक बात बताऊं, शिवा की बड़ी हिम्मत है कि एक बंदे को उठा कर जो इतने हालात खराब है बसों के ऊपर से उस बंदे की जान बचाई, हिम्मत है। लेकिन एक बात बताऊं, उसमें शिवा ने रिकॉर्डिंग भी की है उसकी बातें जो वो कर रहा था रिकॉर्ड। लेकिन ये सीएम बड़ा बुरा फंस गया, इसने एक कुर्सी की वजह से पूरा महाराष्ट्र बर्बाद कर दिया। उसमें बेचारे कितने लोग थे यार, जो बेचारे नौकरी पे जा रहे थे, किसी की तबीयत खराब थी, कोई बेचारी प्रेग्नेंट होंगी यार, कितने लोग थे इसमें बेचारे। एम्बुलेंस में भी एक बंदे थे जो के वो जिनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, वही जो माँ जी आई है रोते हुए जाने दो यार। ये क्या है यार, ये सीएम कैसा है यार, एक सिर्फ कुर्सी की वजह से पूरा महाराष्ट्र झल कर राख हो गया। लेकिन भाई अब आगे देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तो बाय।